हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट नंबर 3 है एंड दिस इज़ फॉर हिस्ट्री। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कंसीडर दी फॉलोइंग इवेंट्स, अरेंज दी फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट एक्लिप्स मिशन, सीआर फॉर्मूला, वेवल प्लान एंड पूना पैक्ट। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कीजिए, सोचिए। तो उसका करेक्ट आंसर है बी। सबसे पहले क्या हुआ था? पूना पैक्ट, देन क्रिप्स मिशन, देन सी आर फॉर्मूला एंड देन वेवल प्लान। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, क्रिप्स मिशन हुआ था 1942 में, सी आर फॉर्मूला इन 1944 एंड वेवल प्लान इन 1945। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग फॉलोइंग रीच्ड इंडिया अर्लीस्ट। इंडिया में सबसे पहले कौन आया था जो ये? तो उसमें देखिए, पुर्तगीज, डच, डेन्स, इंग्लिश, सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दी पुर्तगीज। ओके, ये देखिए, सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, उनके बाद डच, देन इंग्लिश, देन फ्रेंच, देन डेन्स। ये याद रखिएगा, ये क्रोनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप वॉज साइंड बिटवीन। जो ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप है वो किसके बीच में साइन हुई थी, सोचिए। द करेक्ट आंसर इज इंग्लिश एंड अमीर ऑफ सिंध। 3। क्वेश्चन नंबर 4, लोथियन कमिटी इज रिलेटेड टू। लोथियन कमिटी किससे रिलेटेड है? इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर है इंडियन फ्रेंचाइजी। 1, लोथियन कमिटी इज रिलेटेड टू इंडियन फ्रेंचाइजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द सत्याग्रह सभा वॉज फॉर्म्ड इन 1919 टू सपोर्ट। सत्याग्रह सभा किसके सपोर्ट में फॉर्म की गई थी, सोचिए। द करेक्ट आंसर इज रोहलाट सत्याग्रह। एक्सप्लेनेशन देखिए, रोहलाट सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। इन मार्च 1919 द रोहलाट एक्ट वॉज पास्ड। दिस एक्ट एथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कॉन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। गवर्नमेंट को एम्पावर किया इस एक्ट ने कि किसी को भी इम्प्रिजन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल और कोर्ट में विदाउट पेश किए बिना। ये देखिए, टू अपोज दिस महात्मा गांधी इनॉगरेटेड द सत्याग्रह एजिटेशन ऑन 1 मार्च 1919। तो रोहलाट एक्ट को सपोर्ट, रोहलाट एक्ट के अपोज में ये जो है सत्याग्रह सभा महात्मा गांधी ने इनॉगरेट की थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राजपूत किंग राजा सवाई जय सिंह ऑफ आम्बेर। देखिए, He established an astronomical observatory in Ujjain. He founded the city of Jaipur. He was given the title of Savai by Mughal Emperor Aurangzeb. सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखिए, ही एस्टैब्लिश्ड ऑब्जर्वेटरी एट दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी एंड मथुरा। ये 5 सिटीज़ के नाम याद रखिएगा। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सेटअप की थी सवाई राजा जय सिंह ने। और सवाई राजा जय सिंह कौन थे? जय सिंह सेकेंड वॉज द हिंदू राजपूत रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ आम्बेर। ही लेटर फाउंडेड द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ जयपुर एंड मेड इट हिज कैपिटल। ही वॉज बॉर्न एट आम्बेर, द कैपिटल ऑफ कछावा। सवाई राजा जय सिंह कछावा राजपूत थे। ही बिकेम रूलर ऑफ आम्बेर एट द एज ऑफ 11 आफ्टर हिज फादर महाराजा भीषण सिंह डाइड ऑन 31 दिसंबर 1699। तो ये सवाई राजा जय सिंह के बारे में याद रखिएगा। बेसिकली इनकी ये ऑब्जर्वेटरीज याद रखिएगा और ये शहर याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिए। विच अमंग फॉलोइंग वॉज गांधीज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मोमेंट। गांधी जी का फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मोमेंट कौन सा था इंडिया में, सोचिए। तो इसका ये सही आंसर है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी का फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मोमेंट था। ये देखिए, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ इन गुजरात। ये किससे रिलेटेड था? ये क्या था? नो टैक्स कैंपेन था। देन चंपारण सत्याग्रह के बारे में, ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था, 1917 में हुआ, ठीक है। एंड रोहलाट सत्याग्रह फर्स्ट मास स्ट्राइक थी। एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी जो 1918 में हुई। तो ये याद रखिएगा, जो खेड़ा सत्याग्रह है, ये जो चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था, रोहलाट एक्ट फर्स्ट मास स्ट्राइक थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, और खेड़ा क्या था? फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन गांधी जी का हिंदुस्तान में। अब क्वेश्चन 8 देखिए। यह
कॉन्सिडर दी फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दी अबव ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताइए। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, और पूना सार्वजनिक सभा। इसका करेक्ट आंसर है ए। ओके, ये देखिए, द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1866, एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वॉज स्टार्टेड बाय बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता एंड के तेलंग इन 1885, एंड द पूना सार्वजनिक सभा वॉज फाउंडेड इन 1867 बाय महादेव गोविंद रनाडे। ओके, क्वेश्चन 9 देखिए, विद रेफरेंस टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट, सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, सोचिए। जिसमें ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलकाता एंड मद्रास, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, रिडक्शन ऑफ एज ऑफ 19 ईयर फॉर अपियरिंग इन सिविल सर्विसेज एग्जाम, देन फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस, और एनेक्सेशन ऑफ बुर्मा बाई ब्रिटिश, इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ये सबसे पहले इवेंट हुआ था। ओके, ये देखिए, द यूनिवर्सिटीज ऑफ कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1857, ठीक है। और जो ये है, द एज फॉर सिविल सर्विसेज वॉज रिड्यूस टू 19 इन ईयर 1859, एंड द फर्स्ट नॉन सिंक्रोनसली सेंसस वॉज हेल्ड इन बिटवीन 1865 एंड 1872, एंड फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वॉज कंडक्टेड इन 1881। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले क्या किया था, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास में यूनिवर्सिटी सेटअप की थी। क्वेश्चन 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन फॉर द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-60, इंडिगो रिवोल्ट का क्या कॉज था इसका, सोचिए। फोर्सफुल एविक्शन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम द लैंड, फोर्सफुल प्लांटेशन ऑफ इंडिगो एंड लो रिम्यूनरेटिव प्राइस गिवन टू पीजेंट्स फॉर प्लांटेशन ऑफ इंडिगो, सी देखिए, प्रिवेंशन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एक्वायरिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स ऑन इंडिगो साउन एरियाज, डी बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिगो एंड कंपल्सिव सेलिंग टू इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज, सोचिए। तो इसका सही आंसर यह है बी, फोर्सफुल प्लांटेशन ऑफ इंडिगो एंड लो रेम्यूनरेशन प्राइस गिवन टू पीजेंट्स फॉर प्लांटेशन ऑफ इंडिगो। ओके, अब क्वेश्चन 11 देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, जो 1857 की क्रांति थी, इसके संदर्भ में कौन सा सही है स्टेटमेंट। पहला देखिए, अटैक्स एंड वियोलेंट एक्शंस बाय रिबेल्स वर टेकन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ओनली, बी देखिए, मोस्ट वियोलेंट एक्टिविटीज वर कॉन्फाइंड टू अर्बन सेंटर्स, सी ड्यूरिंग द अपराइजिंग रिलीजियस डिविजन्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स वर हार्डली नोटिसबल, डी देर वर एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश अ मॉडर्न गवर्नमेंट सिस्टम इन द रीजन्स कैप्चर्ड बाई द रेबल्स, सोचिए। तो सही आंसर है इसका सी, ड्यूरिंग द अपराइजिंग रिलीजियस डिविजन्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स वर हार्डली नोटिसबल, उस समय कोई भी कॉम्युनलिज्म की टेंशन नहीं थी, कोई भी रिलीजियस डिविजन नहीं था हिंदू मुस्लिम में, सब ने साथ मिलकर ये रिवोल्ट किया था, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, अटैक्स वर कैरिड आउट बाई रेबल्स नॉट ओनली अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बट ऑल्सो अगेंस्ट लोकल ऑपरेजर्स एंड जमींदार्स, ठीक है, और वियोलेंट एक्टिविटीज वर नॉट ओनली कॉन्फाइंड टू अर्बन एरियाज बट ऑल्सो इन रूरल एरियाज, अर्बन एंड रूरल एरियाज दोनों में रिवोल्ट किया गया था। द अटैम्प्ट ऑफ द रेबल्स सॉ दैट द रेबल लीडरशिप वॉन्टेड टू रीस्टोर द प्री ब्रिटिश रूलर सिस्टम, कोई नया सिस्टम नहीं वो क्या बोलते हैं सेटअप करना चाहते थे, जो पहले से चल रहा था राजा महाराजाओं का या जो भी है फ्यूडल सिस्टम, उसी को वो वापस रीस्टेबलाइज करना चाहते थे, इनकी ये था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, महात्मा गांधी प्रिसाइडेड विच कांग्रेस सेशन, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कौन से सेशन को प्रिसाइड किया था, तो इसका सही आंसर है बेलगांव सेशन, ठीक है। ये देखिए, बेलगांव सेशन वॉज दी वन एंड ओनली सेशन विच वॉज प्रिसाइडेड बाई गांधी जी, गांधी जी ने कांग्रेस का एक ही सेशन प्रिसाइड किया था, वो कौन सा था, बेलगांव, इसके अलावा कोई सेशन नहीं किया प्रिसाइड। और हरिपुरा सेशन वॉज प्रिसाइडेड बाई सुभाष चंद्र बोस, और फैजपुर सेशन वॉज प्रिसाइडेड बाई जवाहरलाल नेहरू। तो ये याद रखिएगा, बेलगांव सेशन, गांधी जी ने अपने जीवन काल में एक ही कांग्रेस सेशन प्रिसाइड किया और वो था बेलगांव सेशन। ओके, तो क्वेश्चन 13 देखिए, हु अमंग फॉलोइंग वॉज द मेंबर्स ऑफ स्वराज्य पार्टी, स्वराज्य पार्टी क्या थी और उसके मेंबर्स कौन थे, इसमें जैसे मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और शौकत अली, सेलेक्ट द करेक्ट कोट। तो इसका सही आंसर है बी, वन एंड थ्री, मतलब मोतीलाल नेहरू एंड शौकत अली, ये स्वराज पार्टी से रिलेटेड थे। एक्सप्लेनेशन देखिए,
आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देर इमर्ज टू सेक्शंस विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस में टू सेक्शंस इमर्ज हुए, ठीक है। पहला था प्रो चेंजर्स, सेकंड था नो चेंजर्स। अब प्रो चेंजर्स कौन थे? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, शौकत अली, मोहम्मद अली, अजमल खान, प्रताप गुहा रॉय एंड अदर्स। और नो चेंजर्स में कौन थे? सी राजा गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। तो ये याद रखेगा, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। क्वेश्चन 14, द लैक्स लॉगी एक्ट वॉज एनेक्टेड इन 1850 बाई द कॉलोनियल गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ। ये किसके संदर्भ में एनेक्ट किया गया था? ए देखिए, एक्सटेंडिंग द बैन ऑन सती टू द प्रोविंसेस ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, प्रोवाइडिंग द राइट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी टू हिंदू कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, सी बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर इन अदर कॉलोनीज, डी अपहोल्डिंग राइट्स ऑफ जमींदार्स इन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। सोचिए, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रोवाइडिंग द राइट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू हिंदू कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। तो ये लैक्स लॉकी एक्ट है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। अब लास्ट क्वेश्चन 15, हु वॉज द रेबेलियस लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट बरेली। बरेली से किसने रिवोल्ट किया था, लीडर कौन था? देखिए, ये चार है, जैसे खान बहादुर, मोहम्मद अहमदुल्ला, सहामल बख्त खान। सोचिए, तो सही आंसर है इसका खान बहादुर। बरेली से खान बहादुर ने ये जो है रिवोल्ट किया था, ये देखिए। और जो मौलवी अहमदुल्ला है, उन्होंने फैज़ाबाद से किया था, सहामल ने बागपत से एंड बख्त खान ने दिल्ली से। दैट्स ऑल, थैंक यू। हम कल टेस्ट नंबर 4 के साथ हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू।